वेद मलिक साहब, आपको क्या लगता है चेयरमैन पीटीआई के पास अब कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, कानूनी ऑप्शंस की बात कर रही हूँ? देखें, चेयरमैन पीटीआई को गोशाखाना केस में 3 साल की सजा हुई और 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ जी। अब उनके पास जो रेमेडी अवेलेबल है कि वो इस सजा को चैलेंज करें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में और अंडर सेक्शन 410 सीआरपीसी वो अपनी इस सेंटेंस को चैलेंज करेंगे। उस जब चैलेंज करेंगे तो उसके साथ एक एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 426 सीआरपीसी के, जब तक ये अपील हमारी पेंडिंग है तब तक उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, और मेरा ख्याल है ये कल ये अपील दायर करेंगे तो परसों के लिए फिक्स हो जाएगी और इट मे बी पॉसिबल कि परसों उनकी सजा जो है वो हाईकोर्ट सस्पेंड करे और वो बेल पे बाहर आ जाए। अच्छा, क्योंकि 3 साल जो सजा है या कानून की नजर में 7 साल से जो कम सजा होती है उसमें नॉर्मली जो कोर्ट है, एब्सोल्यूट लॉ नहीं है ये, लेकिन नॉर्मली जो कोर्ट है वो उसको सजा को सस्पेंड कर देती है कि अपील में ऑफ कोर्स टाइम लगता है तो टिल द डिसीजन ऑफ द मेन अपील वो कहते हैं जी सजा को सस्पेंड किया जाता है, और अगर उनकी ये सजा सस्पेंड हो जाती है वो फिर बेल पे बाहर आ जाए।